नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल आप सभी प्लम्बर के लिए, कस्टमर के लिए। इस वीडियो में आज मैं आपको इस टॉयलेट वाले एरिया में वालहंग WC इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉयलेट वाला एरिया है, फ्लशिंग के लिए मेट्रोपोल लगा हुआ है जैकवार का। उसके बाद वालहंग पॉइंट जो है नीचे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। वालहंग पॉइंट आप कैसे बनाएंगे इसका भी वीडियो मैंने दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो वालहंग पॉइंट यहाँ पे है और जो वालहंग WC है वो अपना देख सकते हैं यहाँ पे है, प्लम्बर कंपनी का है। देख लीजिए मॉडल इसका दोस्तों LNK वाला है। प्लम्बर का जो लोगो है वो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ, ठीक है। ये देखिए प्लम्बर का WC है और WC में एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा अभी, देखिए बता ही देता हूँ। देखिए ये फ्लशिंग वाला है ना, देखिए ये जो इसका मॉडल ये घटिया है, यहाँ पे ये कॉलर नहीं दिया हुआ है वाशर को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम करेगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन जो भी है यही WC इंस्टॉल होगा, इस बात का ध्यान रखें जब आप WC को परचेज करें। WC को फिक्स करने के लिए देखें यहाँ पे दो असर मिलेगा, एक तो दोस्तों ये वाला है और एक ये वाला है जो कि मैं लेके आया हूँ, जो इसके साथ में दिया था। ये देखिए ये पतला वाशर है, छोटा वाशर है, इसमें दिक्कत करेगा, दिखा रहा हूँ अभी मैं। उसके बाद LNK वाला देखिए यहाँ पे जो है ये नट बोल्ट है टाइट करने के लिए। उसके बाद ये देखिए ये ब्रेकेट है और ये देखिए ये गिट्टी है और ये वाला कवर है यहाँ पर लगेगा, ये आप देख सकते हैं WC में। देखिए फिक्स करने के लिए LNK वाला है, ये साइड में किसी भी प्रकार का होल नहीं है। ये जो है ये जो दरअसल ये जो होल है ना, यहाँ पे LNK बोल्ट डाल के टाइट करने वाला है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी, ठीक है। LNK वाला सेट है ये। मॉडल पीछे से देख सकते हैं, ट्रैप कुछ इस प्रकार है। इसका जो ट्रैप है नीचे दिखाई देगा, ये देखिए S-ट्रैप है, ये S-ट्रैप यहाँ पर लगा हुआ है। तो कमोड ये है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसको मार्किंग कैसे करना है। नए प्लम्बर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है फिक्स करने में इसको, ठीक है। LNK वाला जो WC है और थोड़ा बहुत लापरवाही करेंगे तो फिर ये टूटने वगैरह का डर रहता है। ये जो वालहंग WC है, मार्किंग कैसे करना है देखिए यहाँ पे। ये जो है ना, कुछ लोग क्या करते हैं बिना वाशर लगाए ही इसमें पाइप डाल के अंदर डालते हैं, तो वो जो है वो भी तरीका सही है लेकिन प्रॉपर तरीका नहीं है। उसके इसमें क्या है, वाशर जो है कभी कई बार कम पुश होता है तो फिर दोबारा पाइप को कट करना पड़ता है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ही बार कट करेंगे पूरा पुश हो जाएगा। ये वाशर देखिए यहाँ पे डाल लेना है अंदर, देखिए बस इतना ही जाएगा, ज़्यादा अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि पुश नहीं होता है, इतना काफ़ी है। और ये है कंपनी के साथ में ये फ्लशिंग वाला वाशर, तो देखिए ये घटिया वाशर है, पूरा इसके अंदर घुस गया, ठीक है, बार बार लीकेज करेगा, छोटा वाशर है। तो देखिए मैं ले आया अपने पास से ढूंढ के, ये देखिए ये हैवी वाशर मोटा वाला। अब ये यहाँ पे इस तरह से लगेगा। मार्किंग करने का तरीका आप देखिए कैसे करना, आपको देखिए ये जो है ये कमोड का सरफेस आप चेक करेंगे कि इस सरफेस से, ये जो सरफेस है ना टाइल्स वाला सरफेस है, यानी कि वाल का सरफेस है, ठीक है। वालहंग WC है तो वाल का ही सरफेस आपको लेना है। देखिए यहाँ पर इसको मैं इस तरह से रखा, अब ये आपको चेक करना है कि पाइप मेरा कहाँ तक कितना लग रहा है यहाँ से, ठीक है। नीचे वाले सिरे से यहाँ से मेजर करना है, देखिए ये कितना आ रहा है मेरा, ये 80 mm आ रहा है अभी, ठीक है, 80 mm आ रहा है। 85 आ रहा है तो 80 रखूँगा मैं, इसको थोड़ा सा वाशर ऊपर कर लूँगा, 80 mm आ रहा है, 80 mm पाइप को कट करना होगा। उसके बाद फ्लस वाला चेक करना है, फ्लस वाला देखिए जहाँ तक पाइप आपका होल्ड हो रहा हो वहाँ तक लेके जाएंगे। ये देखिए अभी मेरा ये आ रहा है 50 mm, ठीक है, 50 mm आ रहा है। तो अब देखिए इस तरह से आपको मार्किंग करना है। देखिए ये जो है फ्लस वाला ये 50 mm रहेगा इस वाल से, टाइल्स वाले वाल से, और ये वाला जो है ये 70 mm रहेगा, ठीक है। अब कट करता हूँ मैं, बताता हूँ आपको कैसे इंस्टॉल करना है। और ये भी समझ लीजिए, देखिए जब ये आप वालहंग WC इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो उस समय ये आपका जो फ्लस है ये रेडी होना चाहिए, ताकि जो है वो आप चेक कर सके कि लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बार बार लीकेज को चेक करना होता है, इसलिए इसका जो सप्लाई है वो आप चालू रखेंगे, प्लस करके देखेंगे कि लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले पाइप को कट करना होगा। अब देखिए पाइप को मैं कट कर लिया, मेजर करने के बाद इसको मैं कट कर लिया, जितना आपका लेवल आ रहा है मेजरमेंट आ रहा है उतना आप कट कर लेंगे। कट करने के बाद मार्किंग करने के लिए देखिए अब इसको यहाँ पे अंदर डालेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से पकड़ के रखना, आपको बिल्कुल सीधा रखना है, तिरछा बिल्कुल भी नहीं रखना है, लेबल आपको कर लेना है, ठीक है। ये अभी मेरे केस में ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है।
मेजरमेंट आपको कर लेना है। अब देखिए होल करने के लिए ये मार्किंग हो गया है, एक होल यहाँ पे होगा और एक होल देख सकते हैं यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन अब ये होल कितना अंदर करना है वो आप समझिए, क्योंकि कम करेंगे तो भी दिक्कत करेगा, ज़्यादा करेंगे तो भी दिक्कत करेगा, ठीक है। देखिए इतना बड़ा है ये, देखिए इसको खोलना है, साथ में ये बड़ा एल एन की देता है, इसको खोलेंगे, ये देखिए खोल लिया। अब ये देखिए ये इसका जो नट है ना ये बाहर निकल गया, देखिए ये निकल गया। अब देखिए इसको आपको खोल लेना है पहले, ये देखिए ये इस तरह से खोल लेना है, टाइट करने वाला है ये दरअसल, देखिए। और ये वाला जो है ये यहाँ पे टाइट होगा, इसको आपको टाइट कर लेना है, देखिए ये पूरा फुल यहाँ पे टाइट हो जाएगा। अब इसको अंदर टाइट करेंगे डाल के, ठीक है। ये वाला जो है ये अंदर से यहाँ से डालना है आपको, मैं डाल के दिखा रहा हूँ आपको। और ये नट जो है ये ऊपर रहेगा ताकि जो है इजीली आप टाइट कर सके, चाहे साइड में रखिए या फिर चाहे ऊपर रखिए, जिधर से आपको अच्छा लगे सूटेबल हो, तो ऊपर वाला सबसे बढ़िया रहता है यहाँ से टाइट करने वाला। अब इसको यहाँ से डालेंगे, देखिए अंदर डालना है आपको इस तरह से, और ये मिला लेना है कि कहाँ पे मिल रहा है, देखिए इस तरह से एलनकी को अंदर आपको लगा के रखना है। उसके बाद अब इसको टाइट करेंगे, देखिए यहाँ पे एलनकी वाला जो नट बोल्ट है वो मैं अंदर टाइट कर दिया उसके। अब ये वाला जो है ना ये इसके अंदर डालना है, देखिए जब एलनकी से आप टाइट करेंगे तो वो जो छोटा वाला नट है ना वो यहाँ पे इस लॉक में आके बैठ जाता है और पूरा टाइट हो जाता है। देखिए इस तरह से आपको चेक करना है, ये देखिए दोनों टाइट हो गया है। अब ये पूरा कंफर्म हो गया क्लियर कि ये जो है ये कितना आपको होल करना है अंदर, ये देखिए टाइल्स वाले सरफेस से मेजर करना है, और देखिए होल जो है अभी आ रहा कितना, टोटल 120 mm, ठीक है। ये देखिए 120 से कम है, हाँ 120 करेंगे तो भी चलेगा, 120 mm होल करना है, ये प्रॉपर तरीका है। अब देखिए होल करने के लिए देखिए यहाँ पर 16 mm का ड्रिल बिट का यूज करेंगे आप, ये देखिए इतना मोटा ये गिट्टी है तो इतना मोटा बीट आपके पास होना चाहिए। देखिए होल करने के बाद यहाँ पे प्लास्टिक वाला जो गिट्टी है वो लगा दिया मैं, अब दोनों को टाइट करेंगे। और टाइट आपको कहाँ तक करना है वो देखिए, यहाँ तक जो कट लगा है ना ये देखिए, जो कमोड का सरफेस है वो यहाँ तक आ रहा है, इतना आपको टाइट करना है पूरा, ये पूरा टाइट कर देंगे तो भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
अब देखिए दोनों को प्रॉपर में टाइट कर दिया। मेजरमेंट आपको कर लेना है यहाँ पे इस तरह से, देखिए 60 mm आ रहा है सेंटर इसका, जहाँ पे टाइट होगा ये लनकी वाला नट, और इधर भी देखिए 60 mm आ रहा है, ठीक है। अगर हल्का फुल्का आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पे इस तरह से खोल लेंगे इसको, देखिए अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे इस तरह से आप बढ़ा लेंगे। अब कमोड को उठा के यहाँ पे फिक्स करेंगे। देखिए फ्लस वाला वाशर आपको हमेशा यहाँ पे लगाना है, और ये वाला आप यहाँ पे लगाएंगे। देखिए WC को प्रॉपर में टाइट कर दिया, और टाइट करते हुए जाना, लीकेज को चेक करते हुए जाना है, ठीक है। बिल्कुल भी लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट वाला पाइपलाइन लीक हो गया तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, यहाँ पे गंदगी फैलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, प्रॉपर अच्छी तरह से काम करना है, पूरी सफाई से अच्छी तरह से इसको टाइट कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट देखे इसके ऊपर चढ़ के वेट देखे चेक करना है। देखिए इसको मैं प्रॉपर टाइट कर दिया, देखिए इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा चेक करना है, प्रॉपर लोड देखें। देखिए इसके ऊपर पूरा खड़ा हूँ मैं, आप देख सकते हैं वालंग W से मेरा जो वेट है वो है दोस्तों 60 kg, 57 to 60 kg तक का वेट है मेरा। देखिए इसके ऊपर मैं पूरा खड़ा हूँ, फ्लश करके दिखाता हूँ लीकेज में इसका। ये देखिए फ्लश किया, देखिए मेरे केस में कहीं भी एक बूंद भी पानी लीक नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं लीकेज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से लीकेज को आपको चेक करना है, देखिए लगातार पानी आ रहा है, लीकेज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। देखिए लीकेज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉपर टाइट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे वालंग W के साथ में ये हाइड्रोलिक कवर है, अब कवर को लगाना और जेट को लगाना मैं आपको सिखाऊंगा।